नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना और तूफान के कहर से देश अभी किसी तरह संभल ही रहा है कि रोज भूकंप के झटके कहीं ना कहीं आ रहे हैं। मिजोरम में 3 दिन से भूकंप के झटके लग रहे हैं और ऐसा शायद ही कोई दिन हो जिस दिन देश के किसी भाग में छोटे मोटे भूकंप के झटके न आ रहे हों। इसी बीच में मैक्सिको से बड़ी खबर आ रही, वहाँ पे 7.4 तीव्रता का तेज भूकंप आया है जिसकी वजह से प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ 5 लोग मारे गए हैं और इसका जो केंद्र बताया जा रहा है वो ओक्साका स्टेट से 12 किलोमीटर दूर था। इसके तुरंत बाद सुनामी वार्निंग सिस्टम ने राज्य में सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि भूकंप सुबह 10:30 बजे के आसपास आया और इसके बाद 140 आफ्टर शॉक फील किए गए हैं, यानी भूकंप के बाद 140 छोटे और झटके लगे जिससे लोग भारी भय व दहशत में है कि क्या होने वाला है। मैक्सिको में इसके पहले 2017 में 2 बार भूकंप आया था। 8 सितंबर को 8.1 तीव्रता का भूकंप आया था, इसमें 150 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और दूसरी बार 20 सितंबर को 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, इसमें 500 से ज़्यादा लोग की मौत हुई थी। कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं कि कम तीव्रता का भूकंप आए तो नुकसान हो, क्योंकि जब भी 5 से ऊपर तीव्रता का भूकंप आता है तो नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। quaketrack.com के मुताबिक मैक्सिको में पिछले 7 दिनों में 20 बार भूकंप आ चुका है। सबसे ज़्यादा तीव्रता का भूकंप जो है मंगलवार को आया। पिछले 24 घंटे में ही 4 बार झटके महसूस किए जा चुके हैं। यह आंकड़ों के मुताबिक इस साल यहाँ पे यानी मैक्सिको में 99 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मैक्सिको के इस भूकंप से भारत के लोग भी डरे हुए हैं, क्योंकि भारत में भी रोज़ भूकंप के छोटे मोटे झटके महसूस किए जा रहे हैं और ये लग रहा है कि कोरोना कह रहा है कि घर में रहो और भूकंप कह रहा है कि घर से बाहर भागो, नहीं तो जान खतरे में है। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि ये पूरा का पूरा जो दौर है, या कह सकते हैं कि साल 2020 है, उसमें प्राकृतिक आपदाओं का इतना ज़बरदस्त दबाव है कि आदमी सोच नहीं पा रहा है कि वो क्या करे और क्या ना करे, कैसे जिए। तो अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है जो ये बता सके कि इस दिन भूकंप आएगा और इतनी तीव्रता का होगा, इसलिए इसमें सिवाय आप सावधानी बरतने के और कुछ नहीं कर सकते। जैसे तूफान बारिश के बारे में पहले से ही मौसम विभाग बता देता है, वैसा इसमें संभव नहीं है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।